प्रिंट आउट करवा लूंगा, मतलब एकदम 75 डेज का है। अच्छा अच्छा है। कैसे हो? बढ़िया। आज 15 तारीख एंड कल से मतलब 16 तारीख से एम्स दिल्ली का फेस्ट, जिसको पल्स कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग है। धूप एंड बारिश एक एक साथ, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। ये देखो, ये तो मेरा 1.5 घंटा प्लस हो गया है, 2 घंटा प्लस हो भी जाएगा। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा है। तो गाइस, आज है 75 हार्ड चैलेंज का पहला दिन। आज मैं जल्दी से सुबह सुबह उठ गया हूँ इस चैलेंज की वजह से। मैं उठा हूँ 7:30 बजे एंड बहुत दिनों बाद उठा हूँ इस मतलब टाइम पे। तो मैं इतने दिनों से, मैं मतलब लास्ट कुछ दिनों से 8 से 9 बज जाता है मेरा उठने में। तो गाइस, मैंने उठा, फ्रेश हुआ एंड जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस ग्लास में मतलब 1/2 लीटर पानी अटता है। तो इस पानी को मैंने इंटेक किया, 1/2 लीटर ही सिर्फ हुआ। तभी मेरा फादर भी था वहाँ पर, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, मतलब बोल बोल के, समझ सकते हो, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। तो 100 मतलब 1/2 लीटर पानी इंटेक किया, चाय वाय पिया एंड अभी टाइम हो रहा है 9:15 एंड जल्दी से मैं आ गया हूँ। बहुत सारे टास्क है तो वन बाय वन करूँगा कंप्लीट। अभी मैं जाऊंगा, कुछ काम वगैरह है, एडिटिंग वडिटिंग करना होगा मुझे, तो सब कुछ करते हैं। एंड गाइस, एक चीज़ आप लोग को दिखाना है, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आप लोग। गाइस, 75 हार्ड चैलेंज का ट्रैकिंग सीन, तो ये मैं प्रिंट आउट करवा लूँगा, मतलब एकदम 75 डेज का है। अच्छा अच्छा है, तो मैं ये डाउनलोड किया हूँ, तो ये मैं प्रिंट आउट करवा लूँगा आज ही। एंड ट्रैकर शीट रहना अच्छा होता है सब एस्पिरेंट के लिए भी, मतलब जो जो नीट एस्पिरेंट है उन लोगों के लिए भी। अगर स्टैकिंग सीट रहता है तो सब कुछ पता चल जाता है, कितना कुछ बाकी है, कितना कुछ कर सकते हो। ऐसे ही इसका भी ट्रैकर्स रहना ज़रूरी है। तो गाइस चलो, मैं अभी थोड़ा अपना खुद का जो जो काम है तो कर लेता हूँ, देन उसके बाद बाकी टास्क भी कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। गाइस, ये है 1 लीटर का बॉटल। सुबह मैं 1/2 लीटर कंप्लीट मतलब इंटेक किया था, लंच के टाइम पे फिर 1/2 लीटर कंप्लीट होगा और डिनर के टाइम पे फिर 1/2 लीटर, मतलब 1.5 लीटर कंप्लीट हो जाएगा। और 1.5 लीटर मुझे इस बॉटल से करना होगा, तो चलो इस बॉटल को भर लेते हैं अभी और कंप्लीट करते हैं टास्क। मुझे एक और बॉटल मिल गया 1 लीटर का, तो अभी इस बॉटल में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, तो इस बॉटल को ले आ रहा हूँ एंड इस बॉटल से ही पानी पीऊँगा। अभी इसको रख देता हूँ, बाद में भर लूँगा। एडिटिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है एंड मैं हाफ बॉटल पानी कब ख़त्म कर पाया है अभी, और भी हाफ बाकी है तो वो भी ख़त्म कर लूँगा। मतलब अभी मेरा 1 लीटर कंप्लीट हो चुका है, सुबह हाफ कंप्लीट किया था और अभी हाफ, तो और भी बाकी वही कंप्लीट कर लूँगा। सो अभी थोड़ी देर पहले ये देखो, पल्स का वीडियो आया है मानसून भैया का 2023 का, तो समझ सकते हैं एम्स का बात ही कुछ अलग है। तो वो वीडियो मैं अभी जाऊंगा देखने एंड देख लेता हूँ वीडियो, देन आप लोगों से मिलता हूँ। और गाइस, मुझे नाना भी है, खाना भी है, तो इस वीडियो देखने के बाद बाकी काम कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। कैसे हो? बढ़िया। आज 15 तारीख एंड कल से मतलब 16 तारीख से एम्स दिल्ली का फेस्ट, जिसको पल्स कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग है। जिसको नहीं पता, ये एक ईयरली फेस्ट होता है जो कि एम्स दिल्ली कंडक्ट करवाता है। गाइस, मैं एम्स का पल्स अभी देख के उठा हूँ एंड इधर ये चेक करो, धूप एंड बारिश एक एक साथ, मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। ये देखो, इधर बारिश हो रहा है एंड तुम लोग को शायद शायद फील हो सकता है, इधर धूप धूप भी है थोड़ा थोड़ा सा, हल्का हल्का सा, लेकिन मतलब थोड़ा डिफरेंट है, मतलब आज का दिन अच्छा जाएगा। तो चलो, मैं भी नहा लेता हूँ एंड खाना पीना भी कर लेता हूँ, डन कर लेता हूँ। गाइस, मेरा लंच कंप्लीट हो चुका है एंड नहाना खाना देना सब कंप्लीट। तो लंच में आज था राइस एंड फिश, तो कंप्लीट खा लिया। एंड गाइस, आज मेरा मतलब अभी मेरा फिर से 1/2 लीटर इंटेक कर लिया है पानी, तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से, मेरा कुछ एडिटिंग बाकी है जो दूसरा वीडियो का है, तो उसको मैं कंप्लीट करता हूँ। फिर 3 बजे जाना है मुझे जिम, तो अभी 1:30 बज रहा है, तो चलो
जल्दी से कंप्लीट कर रहे थे काम, देन उसके बाद फिर बाकी टास्क भी कंप्लीट करना है। अभी सुबह से 1.5 लीटर पानी कंप्लीट मतलब इंटेक किया है और 1.5 लीटर बाकी है, तो जिम में तो हो जाएगा 1 लीटर वहाँ पर, और फिर से 1/2 लीटर फिर नाइट पे डिनर करने वक्त, एंड और भी खा लूँगा तो 3 लीटर से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना काम। 2,000 years later तो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ जिम के लिए, एंड मेरा 2 लीटर वाटर ख़त्म हो चुका है यहाँ पर एक, एंड सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पिया था एंड लंच के टाइम भी 1/2 लीटर, तो 2 लीटर कंप्लीट हो चुका है, 1 लीटर एंड उससे ज़्यादा भी है। तो अभी मैं डेली जब जिम जाता हूँ तो 1.25 लीटर का बॉटल लेके जाता हूँ, तो पूरा ख़त्म हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है, तो आज भी लेके जाऊँगा, देखते हो कंप्लीट कर पाता हूँ या नहीं। अगर कंप्लीट कर लेता हूँ तो 3 लीटर कंप्लीट हो जाएगा, और नहीं होता तो नाइट पे हो जाएगा। तो चलो अभी मैं निकलता हूँ बाइक से, एंड मिलते हैं जिम जाने के बाद। तो गाइस यहाँ पर ज़्यादा वीडियोस वगैरह शूट नहीं करूँगा, सिर्फ देख लो, यहाँ पर देखता हूँ कितना कुछ कर पाता हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा क्लिप वगैरह उठा लूँगा, देन मिलते हैं जिम करने के बाद। तब से मैं जिम कर रहा था एंड थोड़ा तबीयत डाउन लग रहा है, पता नहीं क्यों, एंड अभी हमारा जिम का जो ट्रेनर है उससे भी मिलाता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद, एंड थोड़ा और भी कुछ एक्सरसाइज बाकी है। अभी मेरा 7 एक्सरसाइज हुआ सिर्फ, और भी 2-3 करना है, देन वो कंप्लीट करने के बाद मैं चला जाऊंगा घर। अभी तो मेरा 1.5 घंटा प्लस हो गया है, 2 घंटा प्लस हो भी जाएगा थोड़ी देर में, तो चलो मिलाता हूँ मेरा हमारा जिम का ट्रेनर से। गाइस ये हमारा ट्रेनर जो कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा हमारा ट्रेनर का वर्कआउट भी देख लो। देखो हमारा ट्रेनर साहब का 6 पैक, बहुत अच्छा है ना, नाइस नाइस नाइस। चलो गाइज आज तो हमारा कंप्लीट हो चुका है जितना टारगेट था आज। गाइज मेरा 1 लीटर यहाँ पर पानी भी इंटेक कर दिया, एंड मेरा 2 आवर की एक्सरसाइज भी हो गया, अभी मैं घर जा रहा हूँ, तो अच्छा ही हुआ मेरा 3 लीटर पानी इंटेक हो चुका है, एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है, बाकी देखते हैं क्या होता है। घर आके मैं थोड़ा सा चाय वाय पिया एंड अभी आ गया हूँ, मुझे 3-4 पेज अभी और भी पढ़ना है, समझ सकते हो आज का टास्क जो है, तो अभी वो मैं पढ़ूंगा। लेकिन मैं अभी अरबिक पढ़ के आया हूँ, मैं पीछे पहले तो नहीं पढ़ता था लेकिन लास्ट 1-2 महीने से पढ़ रहा हूँ, तो अरबिक जानना भी जरूरी होता है मेरे लिए, हमारे लिए, तो वो भी मैं पढ़ता हूँ, मेरे मम्मा मुझे रोज सिखाते हैं थोड़ा थोड़ा सा करके, तो अभी बहुत आगे चला गया हूँ। एंड गाइस मेरा पानी पीना कंप्लीट हो चुका है 3 लीटर, एंड और भी होगा, नाइट तक बिना पानी के तो रह नहीं सकते ना, तो वो भी कर लूंगा, एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट, पिक्चर तो नाइट पे लूंगा, तो अभी बाकी रह रहा है सिर्फ स्टडी, मतलब 10-10 पेज तो मैं तो पहले ही बता दिया था 3-4 पेज पढ़ूंगा, तो वो बाकी रह रहा है, एंड पिक्चर तो आज तो ये भी कंप्लीट कर लूंगा। तो चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा पढ़ाई, मतलब 3-4 पेज, देन पढ़ने के बाद थोड़ा बाहर भी जाऊँगा टहलने के लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइज मेरा बुक रीडिंग भी कंप्लीट हो चुका है, सो अभी मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, जो जो टास्क था लगभग कंप्लीट, तो चलो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाहर से थोड़ा सा घूम के आओ। A few moments later. तो फाइनली गाइज मेरा डिनर हो गया है कंप्लीट, एंड अभी टाइम हो रहा है 9:45, तो आज का पूरा टारगेट कंप्लीट,
नहीं हुआ है, अभी पिक्चर क्लिक करूंगा। तो अभी मैं पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड अभी मेरा मतलब आज का दिन तो कंप्लीट, अभी थोड़ा सा गेम प्ले टेम्पले करूंगा, समझ सकते हो, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरत है अभी, क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं है इसलिए। तो चलो गेम प्ले टेम्पले थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन व्लॉग इसे स्टॉप करते हैं गाइज। मिलते हैं कल, कल का सेकेंड डे 75 हर्ट का। एंड मुझे लगता है 1x1 करके करके थोड़ा दिन बाद थोड़ा हार्ड होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों बाद बहुत कुछ आने वाला है, सो वो बाद में बता दूंगा। तो चलो अभी व्लॉग इसे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर कल #275HeartChallenge का। तो मिलते हैं, आप अगर आप लोग भी फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग भी अच्छे से करो, नीचे कमेंट्स कर देना। तो चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।